Okay, so hello everyone and welcome to our channel Chase on Wheels. Okay, so काफी दिनों बाद मैं निकला हूँ राइड पे. काफी दिनों बाद नहीं, मैं बीच में जा चुका हूँ बट व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज सेवरल रीजंस है उसके. इट्स ओके, पर शॉर्ट्स में ज़रूर बनाया हूँ, तो शॉर्ट्स तो मैं डालते ही रहता हूँ. तो आज जा रहा हूँ मैं कुंडलिका वैली, एटलीस्ट 2 से 2.5 साल बाद. अभी पुणे में जस्ट मानसून शुरू हुआ था बट अभी एक हफ्ते से इतना बारिश है नहीं. आप देख सकते हो काफ़ी काफ़ी क्लियर है क्लाउड्स. आज भी मुझे लग नहीं रहा है कि बारिश आएगी बट मौसम जो है, टेम्परेचर जो है, काफ़ी गिर चुका है. सो मोस्ट प्रोबेबली और एक दो हफ्ते में अच्छे से मानसून शुरू हो जाएगा. एक रैंडमली प्लान बता, मेरा ब्रदर इन लॉ को कॉल आया जस्ट एंड उन्होंने बोला चलते हैं क्या. बिल्कुल चलते हैं, विल गो टू कुंडलिका वैली. हमने काफ़ी उसको वो लोकेशन चूज़ करने का ये एक ही पर्पस है क्योंकि वहाँ पर जो रोड्स है बहुत अच्छे हैं, राइड करने में बहुत मज़ा आता है. जैसे मुलसी से जाता है वो रास्ता, तो बाजू में लेक भी आता है तो काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है. और मानसून का भी समय है तो काफ़ी ग्रीनरी वगैरह दिखने को मिलता है तो अच्छा लगता है. तो हमने सोचा था कि हम नानेघाट जाएंगे बट और थोड़ा मानसून होने के बाद प्रिपेयर अच्छे से प्रिपेयर करके फिर वो जाते, बिकॉज़ वो काफ़ी लंबा होता है, 3-4 घंटे का राइड होता है वन वे. तो वो नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगे, अभी नेक्स्ट मंथ या प्रॉब्ली 2-3 हफ्ते बाद, तब कर दूंगा मैं. तो कुंडलिका वैली ऐसे है, जैसे यहाँ से तो मेरे घर से ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स है बट और एक फ्रेंड ज्वाइन करने वाला है मेरा ब्रदर इन लॉ का, तो इसलिए मुझे वो साइड थोड़ा जाना पड़ेगा. वो साइड इन द सेंस हिंजेवाड़ी, हमने वहाँ पे मीटिंग पॉइंट रखा हुआ है MJ फूड पार्क करके. तो वहाँ से फिर हमारा राइड शुरू हो जाएगा. तो यहाँ से तो हो ही चुका है मेरा बट मीटिंग पॉइंट से प्रॉपर लोग हम लोग 3 लोग निकलेंगे. बाकी लोग को पूछा, कोई किसी के क्लासेस है, कोई बिजी है, कोई बाहर गया हो, तो इट्स ओके, वो लोग नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे. हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है काफ़ी दिनों बाद राइड करके. सो मिलते हैं थोड़ी देर में. ऑल राइट, सो हम लोग निकल चुके हैं मीटिंग पॉइंट से. अभी मैं हूँ इंजेवाड़ी Phase 1 के तरफ और मेरा ये जो फ़ोन होल्डर है थोड़ा घूम गया है, एक्चुअली उसका जो नट है वो थोड़ा ढीला हो गया. इट्स ओके. सो हमको यहाँ से दिखा रहा है कुंडलिका वैली 60 किलोमीटर्स, विच विल टेक अराउंड 1 आवर 20 मिनट्स, 14-20 मिनट्स. किसी ने कुछ भी खाया पिया नहीं है, सो आई थिंक एक चाय ब्रेक तो होगा. और जैसे ही थोड़ा बाहर निकलते सिटी से देन विल सी. ये लगता है मेरे को थोड़ा तंग करेगा आज. ओके, सो दोनों ज्वाइन हो चुके हैं राइडर्स, ब्रदर इन लॉ और उसका फ्रेंड. दोनों के पास है 390 ड्यूक न्यू जैन. व्लॉग में देखोगे आप आगे आगे जैसा होगा. आज मैं जैसे स्टार्टिंग में बोल रहा था कि बारिश काफ़ी दिनों से नहीं आई बट आज देख रहा हूँ तो मौसम थोड़ा लग रहा है, बट होप सो कि ना आए. आए तो भी इतनी ना आए जिससे तकलीफ हो हमें. सो यही है, देखते हैं अभी आगे कैसा होता है. मैंने सुना है पहले जब मैं गया था तो एंट्री फ़ी वगैरह कुछ नहीं था बट अभी एंट्री फ़ी भी है, तो देखते हैं. मुझे कंफर्म नहीं है वो है कि नहीं बट रहा तो दे देंगे. ओके, सो आप एंजॉय कीजिए व्यू को, मिलते हैं थोड़ी देर में.
ऑल राइट, तो अभी है 200 मीटर्स में राइट, तो वो राइट मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं स्पीड कम कर लिया। आराम से चलना चाहिए। आप नेविगेशन पे लगाओगे कुंडला का वैली, इजीली आपको आराम से दिखाएगा। देखते कैसा है। बस यहाँ रुक के थोड़ा रिलैक्स करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। काफी बाइकर्स हैं। 140 जाओ दे अंदर, अंदर दुका इकड़े जा। हाँ ठीक है ठीक है, मैंने बोला था जैसे पर पर्सन। यहाँ लगा देंगे बाइक्स। एक के पीछे एक लगाते क्या, एक के पीछे एक लगाते। आजा तो यहाँ बाइक्स लगाते हैं। यहाँ थोड़ा रिलैक्स करके आपको भी दिखाते हैं थोड़ा व्यू। वहाँ से तो दिख रहा होगा वेरी ब्यूटीफुल। चलो मिलते हैं थोड़ा। हम लोग काफ़ी टाइम हो गया निकले हुए कुंडलिका वैली से, बिकॉज़ हम लोग वहाँ जैसे ही पहुँचे थोड़े देर बाद, लगभग 5 से 6 मिनट बाद, पूरा फॉग आ गया। आपने देखा ही होगा। तो कुछ रुकने का पॉइंट नहीं था वहाँ पे, कुछ दिख नहीं रहा था, फिर भी हम लोग थोड़ा देर रुके वहाँ पे, एटलीस्ट आधा घंटा तो रुके ताकि हटे, थोड़ा हटा वो थोड़े देर के लिए मोस्टली, और 10 मिनट्स के लिए, उसके बाद फिर से हो गया फॉगी। बिकॉज वेदर ही वैसा है तो ऑब्वियसली वैसा होगा, बट जो व्यू दिखा हमको, वाओ, व्हाट अ मेसमराइजिंग व्यू, ग्रेट। सो काफ़ी वर्थ इट ये राइड। अभी बज रहे 10, तो हम लोग काफ़ी जल्दी निकले थे, आराम से राइड किया, अभी फिर वापस आते आते ब्रेकफास्ट भी किया। तो वही सेम रूट से वापस आना है, तो इतना कुछ खाने दिखाने के लिए, बट रास्ता वॉज अमेजिंग। थोड़ा ट्रैफिक है, यस, बिकॉज वीकेंड है तो ऑब्वियसली सब लोग आते हैं। इंडिविजुअल पर्सन का 140 रुपीज़ एंट्री है वहाँ पे, पहले नहीं होता था, अभी है। और काफ़ी बैरिगेड्स भी लगा दिए और सिक्योरिटी गार्ड्स भी घूमते हैं ताकि लोग बैरिगेड्स को पार करके आगे ना जाए वैली में, तो उसके लिए एक है। बाकी सब तो बढ़िया है, मौसम अभी काफ़ी खुल चुका है, बारिश थोड़ी सी लगी थी उसके बाद बंद हो चुकी है। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं घर पर। अगर यहाँ तक व्लॉग देख लिया है तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड, स्टे सेफ, लिव यंग, लिव फ्री। बाय बाय।